नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं उड़ीसा की कुछ खास खबरों की। उड़ीसा के भुवनेश्वर स्थित बीएसएफ फ्रंटियर के मुख्य कार्यालय में 58वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस अवसर पर पत्रकार सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें बीएसएफ के नवनियुक्त महानिरीक्षक डीके शर्मा ने बीएसएफ की रिपोर्ट कार्ड पेश की एवं आगामी योजनाओं के बारे में प्रकाश डाला। आईजी शर्मा ने सभी नक्सलियों से अनुरोध किया कि आप सब समाज के मुख्य धारा से जुड़े और केंद्र एवं राज्य सरकार के द्वारा दिए गए योजनाओं का लाभ उठाएं। बीएसएफ हमेशा से नक्सलियों को हथियार का जवाब हथियार से तथा आत्मसमर्पण करने वाले को सभी सुविधाएं मुहैया कराती हैं। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से उप महानिरीक्षक बीबी गुस्सेन, उप महानिरीक्षक धीरेंद्र कुमार, सुमन कुमार, कमांडेंट ईश्वर चंद्र, बीएसएफ के मीडिया प्रभारी पीएस जैना मौजूद थे। भुवनेश्वर से उड़ीसा हेड सुधाकर कुमार साई की रिपोर्ट। कितने अच्छे काम हुए हैं, कुछ बुरे काम भी हुए हैं, तो उसके बारे में हम पूरा खुल के बात करते हैं और बताते भी। जैसे कि आप सब जानते हैं कि अप्रैल 2010 से उड़ीसा स्टेट में सीमा सुरक्षा बल LWE के अगेंस्ट में